पार्टी कैसे हो। तो आज मैं लाया हूँ कुछ सीबीएसई के अपडेट्स, क्योंकि कुछ बच्चे कमेंट्स बॉक्स में बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन सवाल है सीबीएसई एग्जाम्स को लेकर। लॉकडाउन चल रहा है तो क्या हुआ उनके एग्जाम का, एग्जाम होंगे नहीं होंगे, रिजल्ट कब आएगा। चलिए सब जवाब सवाल का जवाब मैं यहाँ देता हूँ। सबसे पहले सवाल ये है, पूछा गया है सबसे ज्यादा कि 1 से 8 तक एग्जाम का क्या हुआ। तो 1 से 8 तक एग्जाम अब नहीं होंगे, सारे के सारे बच्चों को प्रमोट कर दिया गया अगले क्लास में, ठीक है। तो एग्जाम में सीधे वो पास आउट कर देंगे 7 के बच्चे, 8 में 8 के बच्चे, 9 में, है ना। और दूसरा सवाल है कि 9th और 11th वाले का क्या होगा, उनको क्या प्रमोट नहीं किया गया। उनको भी प्रमोट किया गया बट विद टर्म एंड कंडीशन, सारे बच्चों को प्रमोट कर दिया लग जाएगा लगभग, लेकिन उनमें क्या होगा, उनका ग्रेडिंग जो होगा, उनका जो मार्क्स होगा दिया जाएगा। किस बेसिस पे, इंटरनल एग्जाम जो हुए थे, असाइनमेंट जो मिला था उनको, उस बेसिस प्रोजेक्ट जो आपने बनाया था, उन बेसिस पे उनको एग्जाम का रिजल्ट दिया जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज आपको ध्यान रखनी है ना। और जो एग्जाम्स हुए थे उसके बेसिस पर मार्क्स दे ही दिया गया। अब मान लो कोई बच्चा एग्जाम ही नहीं दिया, पिछले एग्जाम जो अब्सेंट थे, तो फिर उसका मार्किंग कैसे किया, उसके लिए स्पेशल क्राइटेरिया है। तो टीचर्स डिसाइड करेंगे कि उनका एग्जाम फिर से लिया जाएगा, फिर उनको भी पास किया जाएगा जैसा उन्होंने रिजल्ट लाया, ठीक है। तो अगला न्यूज जो पूछा गया था कि भाई जो रिमेनिंग एग्जाम है, कंप्यूटर एग्जाम बचा हुआ था 10th का, है ना, और 12th के अकाउंट्स वगैरह, कॉमर्स वगैरह के एग्जाम बचे हुए थे, तो उनका एग्जाम का क्या होगा, क्या एग्जाम होंगे। तो एग्जाम तो होंगे ही, है ना। अब लॉकडाउन बढ़ता है तो फिर उनका भी डेट बढ़ेगा, पर एग्जाम होंगे, और जब भी एग्जाम होंगे तो आपको टाइम दिया जाएगा। ये यूनिवर्सिटी बोर्ड उनके एग्जाम 1-2 दिन पहले अनाउंस नहीं किया है, जब भी आपको दिया जाएगा 10-15-20 दिन का टाइम दिया जाएगा आपको, कि आप तैयार हो पाए कहीं हैं तो वहां से आप सेंटर तक पहुंच पाए, क्योंकि उनको भी रीअरेंज करने में बहुत ज्यादा समय लगता है। तो इसके लिए चिंता नहीं कीजिए, आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर रहिए हमेशा, है ना। दूसरी बात क्या है कि 10th और 12th का रिजल्ट, जो एग्जाम आपने दिया उसका रिजल्ट कब आएगा। देखो रिजल्ट जो है, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि रिजल्ट आ जाएगा, घर टीचर कॉपी ले गए, घर पे चेक करती, घर पे कॉपी चेक नहीं होती है। तो सीबीएसई कॉपी या किसी भी एग्जाम की कॉपी, इंटरनल एग्जाम की कॉपी स्कूल में चेक होती है, घर ले जाकर टीचर चेक नहीं कर सकते हैं। तो 10th और 12th की एग्जाम की कॉपी भी बोर्ड के इंस्टीट्यूशन में चेक होती है, सीसीटीवी अंडर के अंडर में चेक होती है, सीसीटीवी कैमरे के, तो वो घर पे नहीं ले जा सकते। जब भी कॉपी चेक होगी, लॉकडाउन खुलेगा तभी कॉपी चेक होगी, टीचर्स आएंगे कॉपी चेक करेंगे, है ना। तो हो सकता है लॉकडाउन का डेट बढ़े तो एवरेज मार्किंग हो, ज्यादा अच्छे से कॉपी ना चेक कर पाए तो ज्यादातर बच्चे पास आउट हो जाए, पास आउट होने की संभावना बहुत ज्यादा है ना। लेकिन ये पास आउट ऐसा है कि सब पास हो जाएंगे, तो क्या सभी पास हो जाएंगे, ऐसा ही पूछा गया है कि सारे बच्चे पास होने वाले हैं क्या। तो सभी बच्चे पास होने वाले की संभावना प्रैक्टिकली है, लेकिन अगर कोई बच्चा कॉपी ही पूरा खाली छोड़ रखा है तो उसको मार्क्स कैसे मिलेंगे, है ना। तो अगर आपने कॉपी अटेम्प्ट किया हुआ है तो पास होने की संभावना बहुत ज्यादा है कि आप पास हो जाए, भले एवरेज मार्किंग अगर होता है तो टाइम कम मिलता है। तो ये सारी चीज न्यूज थी आपको, मैंने सोचा बता दूं। तो अगर आपको ये अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, कमेंट कर लीजिए, और बेल आइकन को जरूर दबाइए, नोटिफिकेशन आता रहेगा और क्लासेस आ रही हैं, ठीक है। तो थैंक यू, धन्यवाद, गुड बाय। एक सेकेंड रुक जाओ, एक सजेशन भी देना था आप लोगों को। कुछ बच्चे मुझसे कह रहे हैं कि मेरे पास बुक नहीं है सर, अब पढ़ा तो देते पर क्वेश्चन नहीं बना पाता हूँ, बुक ही नहीं है, मटेरियल नहीं है, तो मैं क्या करूँ, सिर्फ वीडियो देख रहे हैं तो प्रैक्टिस नहीं हो पा रही है। तो प्रैक्टिस नहीं हो पा रही है, बुक्स का जो बहाना आप लोग लगा रहे हो तो बहाना चलेगा नहीं, ठीक है। शॉप बंद है ना, तो आप प्ले स्टोर से गेम तो डाउनलोड कर ही रहे हो, तो गेम की जगह आप बुक्स भी डाउनलोड कर सकते हो। एनसीईआरटी बुक्स फ्री में अवेलेबल है, वेबसाइट पे जाओ, ऐप डाउनलोड कर लो, सारे के सारे बुक मिल जाएंगे। और एनसीईआरटी बुक्स सबसे जरूरी है, वही बनाओ सबसे पहले अभी, तो ठीक है। तो बनाओ और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करो कि आपने बुक डाउनलोड किया या नहीं किया, बना रहे हो या नहीं बना रहे हो, ठीक है। तो चलो अब फिर से गुड बाय, लास्ट गुड बाय, चलो, स्टे होम स्टे सेफ।